हाय, आप सभी का स्वागत है होम एंड मजमूर में। क्या आपको बेड वैक्यूम क्लीनर के बारे में पता है? अगर नहीं पता है या फिर आप ऑलरेडी जानते हैं और खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो परफेक्ट है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगारो ग्रैंड बेड वैक्यूम क्लीनर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगारो ग्रैंड बेड वैक्यूम क्लीनर आता है 400 वॉट की मोटर और 12 kPa के पावरफुल सक्शन के साथ। ये है इसका पावर बटन। डस्ट टैंक को निकालने के लिए एरो बटन पर क्लिक करें और डस्ट टैंक निकालें। यह है 350 ml का डस्ट टैंक। डस्ट टैंक के ढक्कन को ओपन करने के लिए इसके ऊपर दिए गए लॉक और अनलॉक के नीचे जो डॉट दिया गया है इसे टैंक के डॉट के साथ मैच करें। इस तरह से आप सारे पार्ट्स निकाल सकते हैं। सबसे ऊपर की तरफ इसमें दिया गया है हेपा फिल्टर। सारे पार्ट्स को वापस असेंबल करने के लिए जो ये फिल्टर है इसे आप नॉच से नॉच मिलाकर ऐसे प्लेस करें। दोनों साइड में इसके नॉचेस दिए गए हैं। फिर इसमें रखें हेपा फिल्टर और फाइनली लिड। डस्ट टैंक पर दिया गया है मैक्स लेवल, तो ये पहुंचने पर आपको डस्ट टैंक खाली करना पड़ेगा। बेटर विजिबिलिटी के लिए सामने की तरफ दी गई है एलईडी लाइट्स। इसके दोनों साइड पर आपको वेंट्स देखने मिलेंगे। इस बेड वैक्यूम क्लीनर का हैंडल बहुत ही स्टर्डी और एर्गोनॉमिकली डिजाइन है कि इसे पकड़ के आप इसे बहुत ईजिली यूज कर सकते हैं। ये वैक्यूम क्लीनर आता है अल्ट्रा वॉयलेट स्टरलाइजेशन के साथ, तो नीचे आपको ये लैम्प नजर आएगा। ये डिसइनफेक्ट करता है 99% बेड बग्स, माइट्स, वायरस और बैक्टीरिया। नीचे की तरफ इसमें तीन व्हील्स दिए गए हैं। इन व्हील्स की वजह से इस वैक्यूम क्लीनर को मूव करना बहुत ही आसान हो जाता है। वैक्यूम क्लीनर पर यह बटन दिया गया है जो कि वाइब्रेशन फंक्शन है। इसे आप प्रेस करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसे ऑन करने से बेस पर दिया गया ये पैड वाइब्रेट होता है जिससे अच्छे से झटक कर आपका जो भी पिलो या मैट्रेस है वो साफ हो जाते हैं। लंबी पावर केबल होने की वजह से आप बड़े बेड को भी काफी ईजिली क्लीन कर सकते हैं। और ये है इसकी यूजर मैनुअल। इस वैक्यूम क्लीनर से आप बेडशीट, मैट्रेसेस, पिलो, ब्लैंकेट, सोफा क्लीन कर सकते हैं। तो ड्राई वैक्यूमिंग और साथ में यूवी स्टरलाइजेशन। इसका सक्शन भी काफी स्ट्रॉन्ग है जैसा कि आप देख सकते हैं। बेड पर गिरा हुआ छोटा मोटा कचरा जैसे कि बिस्किट के क्रम्स और इस तरह की सूखी चीजें ये आसानी से क्लीन कर देता है। बेड वैक्यूम क्लीनर को यूज करते समय आप मूवमेंट बहुत फास्ट ना रखें। जिस तरह से मैं इस वैक्यूम क्लीनर को स्लोली मूव कर रही हूँ ऐसे ही इसे यूज करें। ऐसा करने से कम टाइम में काफी इफेक्टिवली जो सरफेस है वो क्लीन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने अपनी मैट्रेस से बेडशीट नहीं हटाई है और देखिए कितनी ज्यादा धूल यहाँ पर कलेक्ट हो गई है जबकि अभी तक मैंने पूरे बेड पर इसे नहीं घुमाया है। पिलोज एंड कुशंस पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं, तो अपने पिलोज के कवर आप रहने दे सकते हैं या फिर निकाल कर साफ करें। अगर आपके बेड पर या पिलो पर ज्यादा धूल है तो आप ये वाइब्रेशन फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। वाइब्रेशन की वजह से जो ज्यादा धूल है अंदर तक गई है वो भी बाहर आ जाएगी और क्लीन हो जाएगी। इसे आप अपने मैट्रेस पर भी यूज कर सकते हैं। एक ही मोशन रखें, स्लो रखें ताकि अच्छे से सफाई हो। इसका यूज आप सोफे पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम डस्ट टैंक खाली करेंगे, तो डस्ट टैंक के जो सारे अटैचमेंट्स हैं इन्हें आप बाहर निकाल लें। इसके बाद इस डस्ट टैंक को डायरेक्टली आप अपने डस्टबिन में खाली कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना सारा कचरा जो हम नॉर्मली देख नहीं पाते अपनी आंखों से यहाँ पर जमा हो गया है। ये जो तीन पार्ट्स आप देख रहे हैं, रेड वाले दो फिल्टर्स और आउटर केस, इन्हें आप अच्छे से धोकर सुखा सकते हैं। हेपा फिल्टर को आप जितना हो सके आप ड्राई ही पोछे किसी एक ब्रश से या फिर कपड़े से इसे झटका दें। ओकेजनली 3 से 4 बार आप हेपा फिल्टर को धो भी सकते हैं, अच्छे से सुखा कर यूज करें, लेकिन इसके बाद आपको इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। हेपा फिल्टर के अलावा बाकी के पार्ट्स मैंने धोकर अच्छे से सुखा लिए हैं, तो हर यूज के बाद आपको इन सारी चीजों को धोने की जरूरत नहीं है। ओकेजनली आप अपने टैंक को इस तरह से साफ कर सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर की बॉडी को आप किसी भी क्लीन और ड्राई कपड़े से पोछ सकते हैं। थोड़ी सी सफाई में कितनी सारी धूल कलेक्ट हो गई, जबकि हमारी जो बेडशीट है रेगुलरली चेंज होती है, मैट्रेस के ऊपर भी प्रोटेक्टर कवर होता है जो धुलते रहता है। तो इससे एक आइडिया आ जाता है कि हम सोचते हैं कि हमारी मैट्रेस इतनी गंदी नहीं है पर वो असल में काफ़ी गंदी होती है। तो आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। आपको अगारो ग्रैंड बेड वैक्यूम क्लीनर की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और होम एंड मजमूर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।